नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बैरिंग का कूलर कैसे बनाते हैं। सीलिंग फैन का बैरिंग कूलर, सीलिंग फैन का अक्सर देखा जाता है नीचे वाला जो बैरिंग है उसको निकालने में बहुत कई बार कठिनाई होती है, तो आप घर पे एक छोटे से जुगाड़ से इसको निकाल सकते, चाहे कोई भी बैरिंग हो सीलिंग फैन का। जी हाँ दोस्तों, नीचे वाले कवर के अंदर जो बेरिंग होता है उसको निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए कूलर बनाने के लिए आपको 6 इंच का इस तरह का स्टड चाहिए, चाहे तो इस पे आधे पे चूड़ी है, आप चाहे तो पूरे पे चूड़ी वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसको करना क्या है, आपको यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि हमने, ठीक है, ये ऊपर का जो हिस्सा होता है इस तरह से गोल होता है हिस्सा, ओके। इस हिस्से को हमने इस साइड से देख सकते हैं कैसे तिरछा काट लिया है ग्राइंडर की मदद से, और एक साइड हल्का सा हमको छोड़ना है। ये हल्का सा इसलिए छोड़ना है क्योंकि बेरिंग के हिस्से में ये अटक जाए। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उदाहरण के तौर पे, जैसे ये हमारे पास बेरिंग है, तो जब हम इस बेरिंग में इसको डालेंगे, इस तरह से इस बेरिंग के अंदर हम इसको डालेंगे, देख सकते हैं जब हम इसको बेरिंग में डालेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इस तरह से ही अटकना चाहिए, एक साइड अटकना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब बेरिंग को इससे हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिएगा सबसे पहले हमें बेरिंग निकालने के लिए एक पाइप का टुकड़ा चाहिए होगा, ये गोल पाइप है जो टेंट की पाइप होती हैं, ठीक है, उसी तरह की पाइप का ये टुकड़ा है, देख सकते हैं दोस्तों आप। इसको आपको बेरिंग के इस पाइप का फ़ायदा ये है कि ये आसानी से फिट बैठ जाती हैं, और ये जो बेरिंग का आप बेरिंग देख रहे हैं इसके ऊपर इस तरह से आपको इसको डाल लेना है, इस तरह से इसके ऊपर डालने से, ठीक है, इस तरह से डाल लेना है, ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको एक बड़ा बेरिंग लेना है, इतना बड़ा बेरिंग हो 6204 का हो, जो कि इसके ऊपर आ जाए, इस तरह से इसके ऊपर आ जाए पाइप के ऊपर। उसके बाद दोस्तों हमको ये थोड़ा सा बड़ा है जो है स्टड, तो हमको इसमें 3 बेरिंग और डाल लेने हैं, ठीक है, 3 बेरिंग डाल सकते हैं, तो 3 बेरिंग हम इसमें डाल लेते हैं इस तरह से, देख सकते हैं, और ये हिस्सा हम नीचे वाले बेरिंग के अंदर जो है फंसा देते हैं, तो इसमें इस तरह से ये डल जाएगा। अब हम इसको ऊपर उठा रहे हैं तो देख सकते हैं ये फंस चुका है, देख सकते हैं दोस्तों हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो फंसा हुआ है। अब हम इसको टाइट कर देंगे, यहाँ से टाइट करना है हमको, और यहाँ से टाइट करने के बाद ये बेरिंग ऊपर की तरफ निकलता चला जाएगा। अब हमको इसको सिर्फ घुमाना है, प्लायर्स की मदद से घुमा सकते हैं, चाबी की मदद से घुमा सकते हैं, इसको इस तरफ आपको घुमाना है, ठीक है, इस हिस्से को आप प्लायर से पकड़ सकते हैं, इस हिस्से को चाबी से घुमा सकते हैं। तो दोस्तों चाबी की मदद से आप इसमें लगा सकते हैं और इसको टाइट करते जाना है, इस तरह से घुमाते जाना है, इस तरह से, इस तरह से घुमाओगे तो बेरिंग ऊपर की तरफ जो है निकलता हुआ चला जाएगा, इस तरह से आपको घुमाना है।